नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं रोड सेफ्टी फाउंडेशन के मुंबई ट्रेनिंग सेंटर में और यहाँ आज हमारे साथ किशोर सर हैं और ये आपको आज 5 मिनट में रिच ट्रक चलाना सिखाएंगे। तो कौन कौन से रिच ट्रक में कंट्रोल होते हैं, कैसे कैसे सेंसर लगे होते हैं, कैसे रिच ट्रक वर्क करता है और रिच ट्रक का क्या वर्क होता है। तो किशोर सर नमस्कार। नमस्कार सर। किशोर सर, आज आप हमें रिच ट्रक चलाना सिखाएंगे और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। वेरी गुड। तो मुझे पहले पार्ट्स के कौन कौन से यहाँ कंट्रोल्स हैं उनके बारे में बता देंगे प्लीज़। ऑफ़ करने के लिए हमारे यहाँ रेड बटन है। अच्छा, ऑफ़ करने के लिए इसे रेड बटन दबाया जाता है, ऑफ होता है। रेड बटन से मशीन जो है आपकी ऑफ हो जाती है। चालू करने इसका पासवर्ड है 1 एंड ग्रीन। हाँ तो इसका पासवर्ड डालने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाती है और ऑटोमेटिक जब चालू हो जाती है तो इसका ये डिस्प्ले दिख जाता है, मतलब अभी मशीन चालू हो गई है। वेरी गुड। और ये जो नीचे आपके पाँव के पास दिखाई दे रहे हैं ये क्या सेंसर है? ये जो फर्स्ट वाला है ये सेंसर है, इसका काम क्या रहता है? ये गाड़ी को स्टार्ट करता है, अगर इससे ऊपर का पैर निकाल तो गाड़ी। अच्छा, अगर ये पाँव रहेगा, इस पर पाँव रखा रहेगा तो ही गाड़ी आपकी चलेगी, वरना गाड़ी नहीं चलेगी। वेरी गुड। तो इसे चलाने के लिए जब कभी आगे पीछे लेना रहता है तो ये फुट रेस्ट इस पर सेंसर, फुट सेंसर के ऊपर आपका पाँव होना चाहिए। वेरी गुड। ब्रेक है, ये जो सेकंड नंबर पे जो दिखाई दे रहा है ये ब्रेक है। वेरी गुड। और थर्ड नंबर पे एक्सीलेटर है। तो इसमें क्लच नहीं होता, इसमें तीन ही चीज, दो ही चीज़ें हैं, एक ब्रेक है और एक क्लच है और तीसरा फुट सेंसर है। वेरी गुड। और ये इसका स्टीयरिंग है। वेरी गुड। तो इसका स्टीयरिंग 90 डिग्री टर्न करता है या 360 डिग्री भी घूम? अच्छा, इसका स्टीयरिंग 360 डिग्री घूमता है। और ये जो आपके हाथ में जो बटन दिखाई दे रहे हैं ये कौन कौन से कंट्रोल्स हैं? ये फोर्क है, पहले फोर्क अप डाउन करता है इससे। ओके, ये फोर्क अप और डाउन का है। नीचे करेंगे डाउन होगा। वेरी गुड। सेकंड है वो मास्क रीच अप डाउन करता है, मास्क को पहले रीच अप होगा, मास्क को रीच आउट और रीच इन। ओके। और थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है, थर्ड नंबर पे टिल्ट अप डाउन है, फ्रंट टिल्ट। ओके, टिल्ट डाउन और टिल्ट अप, मतलब फोर्क को नीचे करना और फोर्क को टेढ़ा करके ऊपर करना। फोर्थ है वो स्लाइड शिफ्टर है, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, फोर्थ जो है वो स्लाइड शिफ्टर है, मतलब फोर्क उससे राइट में या लेफ्ट में स्लाइड हो जाता है। वेरी गुड। और कुछ बताना चाहेंगे इसके कंट्रोल्स के बारे में? बाकी इससे कंट्रोल नहीं, बाकी सब इजी है, गाड़ी बहुत। अच्छा, और इसमें आगे और पीछे ले जाने के लिए गियर्स कहाँ पर है? यहाँ का बटन है। अच्छा, ये फॉरवर्ड के लिए इसका एरो दिखेगा। ओके, पीछे इसका एरो। ओके, ये एरो पीछे दिख रहा है इसका। हाँ, आगे करेंगे तो आगे जाएगा इसका एरो। वेरी गुड। मतलब अभी गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, अभी एरो आगे की तरफ। और ये आपने व्हील दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये व्हील पूरा 360 घूमता है, जैसे जैसे आप स्टीयरिंग घुमाओगे। ओके, तो ये व्हील पोजीशन बता देता है कि आपकी गाड़ी किस तरफ टर्न करेगी। तो आपकी गाड़ी अभी आगे, गियर आपका, आपका व्हील भी सीधा है, तो आपकी गाड़ी पहले सीधी फ्रंट में जाएगी। ओके, अगर आप एक्सीलेटर देते हो। वेरी गुड। और अगर रिवर्स करके दिखाइए, सिर्फ रिवर्स बटन करके। हाँ जी। अच्छा, ये अभी रिवर्स की तरफ, आपके व्हील पे रिवर्स पे है और आपके गियर पे रिवर्स पे है। वेरी गुड। वेरी। तो आज हमारे बीच में सुमेरन शर्मा, सुमेरन शर्मा असम से हमारे स्टूडेंट हैं, वो हमारे यहाँ रिच ट्रक सीखने के लिए और फॉर्कलिफ्ट सीखने के लिए आए हुए हैं। तो ये आज हमें रिच ट्रक को 360 डिग्री में 11 फीट की जगह में दो रैक के बीच में कैसे टर्न किया जाता है वो आपको टर्न करके दिखा रहे हैं। और ये आज हमें 30 फीट ऊँचाई तक मेटल को रख कर सिखाएंगे। तो सर, दोस्तों, रिच ट्रक का उपयोग जो है नॉर्मली वेयर हाउसेज में और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जहाँ 25 फीट, 30 फीट, 35 फीट ऊंचाई पर मेटल को रखने की रिक्वायरमेंट रहती है। आज के ज़माने में जगह की जगह बहुत कम बची है, तो हर कंपनी ने अपने यहाँ ऊंचे ऊंचे रैक लगा दिए हैं। तो आज रिच और ये जो रिच ट्रक पे जो हाई ज़्यादा ऊंचाई पे जो रैक पे मेटल चढ़ाया जाता है उसके लिए ज़्यादातर यही रिच ट्रक का उपयोग किया जाता है। तो आप भी अगर रिच ट्रक ऑपरेटर बनना चाहते हैं, आज की डेट में इंडिया में रिच ट्रक ऑपरेटर की हाई डिमांड है,
आप कनाडा जाना चाहते हैं, कहीं गल्फ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रक ऑपरेटर की हाई रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप भी रजिस्ट्रक ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आप हमें डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करें। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आपको जैसा सुमरन यहाँ 10 दिन के बाद चला पा रहे हैं, इनका भी 5 दिन का ट्रेनिंग पेंडिंग है, आप भी डेफिनेटली आप हमारे यहाँ परफेक्ट सीख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।